ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਛੱਡਦੇ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਮਨ ਬਾਜਵਾ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਤਮਾਮ ਤਾਜ਼ਾ ਤਰੀਨ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਈਏ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਾਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦਿਨ ਯਾਨੀ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਦਾ ਘੇਰਾ ਇੱਕ ਚਮਕਦੀ ਅੰਗੂਠੀ ਵਾਂਗ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਇਸ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਕੰਗਣਾਕਾਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ सूरज ग्रहण सवेरे 9:15 तो शुरू होकर दोपहर 3:04 तक खत्म होएगा। ज्योतिष मुताबिक लगभग 5:49 तक यानी कि लगभग 6 घंटे इस ग्रहण का ग्रहण के संजोग तो कई नतीजे देखने को मिल सकते हैं। दसा जाता है कि भावे ही सूरज ग्रहण खगोली घटना हो धर्म ज्योतिष विज्ञान में इसके अपने मायने होंगे ने ज्योतिषा की मनीय तो महामारी के दौर में लगन वाला सूरज ग्रहण काफ़ी अशुभ है। उधर भारत और चीन में वधदे तनाव विचाले वित्त मंत्रालय ने चीन समेत भारत की सरहद न लगते किसी भी देश तो पेंशन फंड में विदेशी निवेश से पाबंदियां लगाने का प्रस्ताव दिया है। पेंशन फंड रेगुलेटरी विकास अथॉरिटी के नियम के तहत पेंशन फंड में ऑटोमैटिक रूप तो 49% विदेशी निवेश की इजाजत है। इस संबंध में जारी नोटिफिकेशन के मसौदे मुताबिक चीन समेत भारत की सरहद न लगन वाले किसी भी देश की किसी भी निवेश इकाई या व्यक्ति के निवेश के लिए सरकार की मंजूरी की जरूरत होगी। समय समय से जारी FDI नीति का संबंधित प्रावधान अजे मामले से लागू होगा। तो वड्डी खबर विदेश तो लंडन के रीडिंग शहर में चाकुओं नाल किते हमले में 3 लोगों की मौत होने की खबर है जबकि 3 लोग गंभीर जख्मी दसे जा रहे हैं। इस घटना में मौके तो 25 साल के नौजवान को गिरफ्तार कर लिया गया है। बेशक पुलिस इस अतवादी हमला नहीं मान रही है पर इस घटना की जांच लिए अतवाद निरोधक अधिकारियों को बुलाया गया है। सुरक्षा सूत्रों मुताबिक घटना तो गिरफ्तार किया व्यक्ति लीबिया का रहने वाला दसा जा रहा है। मीडिया रिपोर्टा मुताबिक पुलिस ने दसा कि एक आदमी ने चाकू कढ़िया क्राउन कोर्ट को रीडिंग विच लोगों से हमला करना शुरू कर दिया। यह भी माना जा रहा है कि उथे एक हमलावर से जिसने पुलिस को सरेंडर कर दिया। टेम्स वैली पुलिस के डिटेक्टिव चीफ ऑफ सुपरिटेंडेंट यान हंटर ने कहा कि हमले के संबंध में किसी होर व्यक्ति की तलाश नहीं कर रहे। तो पंजाब से वड्डी खबर तो मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने केंद्र सरकार के नवे खेतीबाड़ी कानून से 24 जून यानी बुधवार को सर्व पार्टी बैठक बुलाई है। वीडियो कॉन्फ्रेंस जरिए होने वाली इस बैठक में नवे कानून नाल पंजाब के किसानों से पैण वाले प्रभावों की समीक्षा होगी और कानून के विरोध से सर्वसम्मति बनाने की कोशिश की जाएगी। उच्च कांग्रेस पहला ही केंद्र सरकार वालों पास किए गए 3 नवे आर्डिनेंसों को किसान विरोधी दस चुकी है। पंजाब प्रदेश कांग्रेस प्रधान सुनी जाखड़ तो इस काला कानून करा दे चुके हैं। इस कड़ी में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखे खेतीबाड़ी खेतर के 3 नवे आर्डिनेंसों की समीक्षा करने की अपील की है। इस पंजाब के किसानों के हक में कांग्रेस ने पूरे सूबे में इस नवे कानून के विरोध में लोक मुहिम भी शुरू कर दी है। इस कड़ी में हुण कांग्रेस सरकार सारियां पार्टियां नाल बैठक करने की तैयारी में है। फिलहाल खबरों के इस दौर से इन्ना ही देश दुनिया की बाकी गतिविधियों की जानकारी बने रहो साडे नाल छड़ी का टाइम टीवी से। धन्यवाद।